हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत अग्रवाल है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है और उसे किस प्रकार यूज करते हैं। दोस्तों, फाइनल जैसा कि नाम से जाहिर होता है, कुछ फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर आपको याद हो कि हम सी लैंग्वेज के अंदर कॉन्स्ट कीवर्ड का प्रयोग करते थे, ठीक वैसा ही यहाँ पर फाइनल कीवर्ड का प्रयोग किया जा सकता है वेरिएबल के केस में। अगर हम किसी वेरिएबल से पहले फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं एक क्लास बना रहा हूं फाइनल कीवर्ड के नाम से, पहले इसको सेव कर देता हूं। मैंने एक फोल्डर फाइनल कीवर्ड बनाया हुआ है, उसमें मैं फाइनल कीवर्ड डॉट जावा के नाम से सेव कर रहा हूं। इसमें मैंने एक फाइनल वेरिएबल लिया, फाइनल इट ए इज इक्वल्स टू 5, इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया। और मेन फंक्शन के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूं फिन नाम से, और इसके बाद मैं कोशिश करता हूं इसकी वैल्यू को प्लस प्लस करने के लिए। आपके सामने मैंने एक फाइनल कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको इनिशियलाइज किया 5 से, और मैंने इसकी वैल्यू को एक नंबर से बढ़ाने की कोशिश की है। कंपाइल करके देखते हैं। आपके सामने एक एरर आ गई, कैनॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, फाइनल का मतलब फिक्स्ड, इसकी वैल्यू को हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते। प्लस या माइनस की जगह हम उसकी वैल्यू को वापस उसी वैल्यू से असाइन नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कि क्या हम ए को 5 भी कर सकते हैं। कंपाइल करके देखते हैं। जी नहीं, एक बार जो वैल्यू फिक्स हो गई किसी वेरिएबल की, वो एडिट नहीं हो सकती, वो मॉडिफाई नहीं हो सकती, वो फिक्स्ड और फाइनल है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि फाइनल वेरिएबल का क्या मतलब है, आप सिंपल एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। फाइनल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो फाइनल कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है और उसकी वैल्यू एक बार असाइन हो गई चेंज नहीं हो सकती। जैसा कि पाई वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो वीडियो के अगले अंक में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसे किस तरह से डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। तो देखना ना भूलें मेरा अगला वीडियो। धन्यवाद।